नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा सा एमसीसी पैनल है और ये एमसीसी पैनल का हम लोग मेंटेनेंस कर रहे थे। टोटल एमसीसी पैनल का मेंटेनेंस कर रहे थे। तो मेंटेनेंस करने का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले तो पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा। पावर सप्लाई कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर से आता है। तो ट्रांसफार्मर का हमने शॉट डाउन ले लिया। जो दो इनकमर ट्रांसफार्मर था, दोनों इनकमर ट्रांसफार्मर को हम शॉट डाउन पे ले लिए और ये एमसीसी पैनल को हम मेंटेनेंस किए। तो मेंटेनेंस के दौरान हमने क्या क्या किया? इसका बस बार टाइटनेस चेक किए, इंडिविजुअल मॉड्यूल सारे मेंटेनेंस किए, इनकमर ब्रेकर का मेंटेनेंस किए, आउटगोइंग फीडर जो कुछ था उसका भी मेंटेनेंस किए। तो इतना सारा काम हमने यहाँ पे किया। अब जैसा कि देख रहे हैं, बहुत बड़ा एमसीसी पैनल है। तो ये एमसीसी पैनल का मेंटेनेंस के दौरान हमको 2-3 दिन लग गया। तो दोस्तों, अभी हम क्या करने वाले हैं, एमसीसी पैनल को दोबारा इसको नॉर्मल करके इसमें पावर सप्लाई देने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक लंबा प्रोसीजर था, बहुत सारा काम इस पे हुआ है। कंप्लीट पैनल को हमने खोल दिए थे, बस बार का टाइटनेस चेक किए, इसका इंडिविजुअल मॉड्यूल को चेक किए, कंट्रोल ट्रांसफार्मर को भी मेंटेनेंस किया और कंट्रोल बस बार का भी टाइटनेस चेक किया। तो अभी सारे काम खत्म होने के बाद अभी हम इसका पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर को चार्ज करेंगे। लेकिन ट्रांसफार्मर चार्ज करने से पहले दिमाग में एक चीज आया दोस्तों, कि पैनल को मेजरिंग करके देखते हैं, उसका आयर वैल्यू को चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि कैसे आपको पैनल का मेजरिंग करना है, बस बार का मेजरिंग कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, कैसे आप बस बार को मेजर करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, जब हम बस बार को मेजर किए तो मेजर वैल्यू 0 के आसपास आया। 0 तो पूरा नहीं आया, 0 के आसपास, यानी 0 point something वैल्यू आया दोस्तों। मेगाओम में वैल्यू आया लेकिन 0 के आसपास आया। तो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या हम ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकते हैं, ये बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 शो कर रहा है, यानी बॉस टू बॉस डेड शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। जिसका मतलब है कि कहीं पे बॉस टू बॉस टॉच हुआ है, शॉर्ट हुआ है। अगर आप कभी LT पैनल का बॉस बार को मेजर करेंगे, जो मैं आपको जो वैल्यू बता रहा हूँ दोस्तों, 0 के आसपास वैल्यू आएगा, सेम टू सेम वैल्यू आप भी अपना बॉस बार में पाएंगे, सेम टू सेम वैल्यू आप अपना MCC पैनल में भी आपको मिलेगा दोस्तों। यानी MCC पैनल का जो बस बार है, बस बार RYB के बीच में अगर आप मेजर लेके आयर वैल्यू चेक करेंगे तो आयर वैल्यू बहुत ही कम शो करेगा, 0 के आसपास शो करेगा। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि MCC पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है, कुछ लाइटिंग लोड रहता है, जिसकी वजह से आयर वैल्यू लो शो करता है, 0 के आसपास शो करता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, कि चार्ज करने से पहले, किसी भी पैनल को चार्ज करने से पहले आप कैसे इंश्योर होंगे कि उसका आयर वैल्यू सही है? तो इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक 3-phase सप्लाई उसी बॉस बार में कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक दूसरे पैनल से 3-phase सप्लाई लाइए, एक केबल डाल के 3-phase सप्लाई कहीं दूसरे ओर से लाइए और उसका बीच में MCB लगा दीजिए, 3-phase MCB लगा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दूसरा पैनल से हम लोग 3-phase सप्लाई टैपिंग करके ला रहे हैं। एक लंबा सा केबल डालिए, 3-phase सप्लाई उसी केबल के थ्रू लाइए और बीच में MCB लगा दीजिए, 3-phase MCB लगा दीजिए और उसी 3-phase को आप कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बस बार में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट बस बार में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक मॉड्यूल का जो आउटगोइंग कॉन्टैक्ट से वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी कनेक्ट हो गया है। अभी ये स्विच फ्यूज यूनिट को हम ऑन कर दिए, अंदर का उसका फ्यूज सही रहना चाहिए दोस्तों। और जैसे ही आप स्विच फ्यूज यूनिट को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 3-phase सप्लाई मेन बॉस बार में चला जाएगा दोस्तों। अगर बॉस बार में कुछ भी शॉर्ट दिखाएगा तो तुरंत ही आपका जो MCB है, MCB ट्रिप हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इंडिकेशन जल गया है, ये पैनल का इंडिकेशन जल रहा है, जो जिसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट होता, अगर शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट होता या कुछ ग्राउंड फॉल्ट होता तो तुरंत ही MCB ट्रिप कर जाता, लेकिन MCB ट्रिप नहीं किया है और बस बार में सप्लाई चला गया है दोस्तों, MCB बिल्कुल स्टैंड किया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी डेड पैनल को
या जो पैनल को आप मेंटेनेंस कर रहे होंगे उसी पैनल को अगर आप पावर सप्लाई देना चाहते हैं, मेंटेनेंस करने के बाद ट्रांसफार्मर को चार्ज करना चाहते हैं, तो आप ये प्रोसीजर को फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इससे क्या होगा, अगर कुछ भी फॉल्ट होगा तो MCB ट्रिप कर जाएगा और साथ ही साथ आपका जो फ्यूज लगा होता है फ्यूज भी चला जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी पैनल का बस बार को चेक कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कुछ शॉर्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे 3-phase सप्लाई देके हमने एक ऑक्सिलरी 3-phase सप्लाई देके ये पैनल को चार्ज किया और ब्रेकर को भी क्लोज किए, देखे कि बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।